नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे माता दुर्गा प्रकट हुई थी। आदिशक्ति जगदम्बे का ही रूप माता दुर्गा है। समानता इनकी दो रूपों में पूजा की जाती है, एक 10 भुजाओं वाली, दूसरी 8 भुजा वाली। तथा देवी का वाहन सिंह या वाघ है और किसी भी प्रतिमा या चित्र में देवी असुर या दैत का वध करते हुए नजर आती हैं। कथा अनुसार हिरण्याक्ष के वंश में एक महाशक्तिशाली दैत उत्पन्न हुआ जो रूरू का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर रखा गया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने के बाद त्रिलोक विजय होने का आशीर्वाद और मंत्र प्राप्त किया और वेदों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद मंत्र लुप्त हो गए तथा स्नान, होम, पूजा, तपस्या, जप आदि का भी लोप हो गया। इस प्रकार जगत में अनंत घोर अंधकार अनर्थ छा गया और सभी प्रकार के कार्य सुस्त हो गए तथा देवता जरा ग्रस्त हो गए, निर्मल हो गए। और देवताओं की दशा देखकर दुर्गमासुर ने इंद्र की अमरावती को घेर लिया और वहां पर कब्जा कर लिया। दुर्गमासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का विकास होता ही गया। इस तरह देवताओं ने भी दुर्गमासुर के वध के लिए अनेक जतन किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अंततः देवता शक्तिहीन होने के बाद स्वर्ग से भाग गए और भागकर गुफाओं में रहकर सहायता के लिए माता अंबिका की स्तुति करने लगे तथा माता अंबिका को प्रसन्न करने के लिए उनको नाना प्रकार के मंत्रों और स्तुतियों से प्रसन्न करने के लिए उक्त हो गए। तत्पश्चात माता अंबिका की स्तुति करने के बाद होम आदि न होने के फलस्वरूप जगत में वर्षा का अभाव हो गया तथा वर्षा न होने के कारण भूमि सूख हो गई और 100 वर्ष तक सूखाग्रस्त बना रहा। लोग जीव जल के बिना मरने लगे, घर घर में शव और मनुष्य बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उनको प्रसन्न करने की सब कोशिश करते रहे। इस प्रकार बारंबार स्तुति करने पर समस्त भुवन से में शासन करने वाली भुवनेश्वरी देवी नील कमल के समान अनंत नेत्र से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान जिनकी देह थी, नील कमल के समान जिनके विशाल नेत्र थे, युक्त देवी ने अपने हाथ की मुट्ठी में बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प तथा कमल पल्लव और अन्य चीजें धारण की हुई थी। देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रकाशमान था। उनके अंगों के प्रभा से संपूर्ण जगत निर्मल और छटा व्यक्त हो रहा था। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने, जो एक जगत को धारण करती हैं, उन्होंने अपने सहस्त्र नेत्रों से जल धाराएं गिराना प्रारंभ की, जिस कारण 9 दिनों और 9 रातों तक घनघोर वर्षा होती रही तथा जो भी जल की नदियां, समुद्र सूख गए थे, वह पुनः अपने अस्तित्व में लौट आए। जो भी वनस्पतियां सूख गई थी, वह भी अपने अस्तित्व में लौट आई। इसी प्रकार एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सब गाथा बताई और बताया कि किस प्रकार सागम्बरी देवी का जन्म हुआ है। दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र सेना सहित युद्ध की ओर चल पड़ा। वहां पर वह पहुंचकर देखता है कि एक तेज प्रकाश के साथ साथ एक देवी खड़ी हुई है। इसके बाद वह देवी और दुर्गमासुर के बीच में विशाल युद्ध छिड़ गया और तब प्रसाद देवी के शरीर से उग्र शक्तियां प्रकट होने लगीं। काली, तारा, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, कामाक्षी, इस प्रकार नाना प्रकार की देवियां देवी के शरीर से निकलकर दुर्गमासुर से युद्ध करने लगी। इस प्रकार देवी ने दुर्गमासुर का वध भीषण युद्ध के बाद कर दिया।
तत्पश्चात उनका नाम संसार में दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हो गया। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृष्टि के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।